जय जिनेन्द्र। मैं प्रीति सोगानी, भरत बाहुबली चैनल प्रीति सोगानी के शो में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आइए हम सीखते हैं भक्तावर का अनुष्ठान कैसे करते हैं चंदा जैन जी से, जो कि पटना निवासी है, ज्योतिष आचार्य है और साथ में न्यूमरोलॉजी और वास्तुकार भी है। तो आइए हम उनसे जाने कि भक्तावर अनुष्ठान हम कैसे कर सकते हैं घर पर। जय जिनेन्द्र चंदा दीदी। जय जिनेन्द्र। जय जी। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। जो लोग महातुम आचार्य की जय। भक्तामर स्तोत्र की जय। जय। आज अपने लोग 27 दिन के अनुष्ठान करने की विधि बताएंगे। महातुम आचार्य द्वारा रचित भक्तामर स्तोत्र मंत्र यंत्र और तंत्र से परिपूर्ण है। भक्ति रस का अतुलनीय अवर्णनीय अस्मरणीय स्तोत्र है। इस पंचम काल में अपने पूर्व उपार्जित कर्मों से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन स्तुति ही है। तो क्यों न भक्तामर के द्वारा हम अपने आर्थिक मानसिक शारीरिक पारिवारिक कष्टों का निवारण कर सुखमय एवं आनंदमय जीवन का निर्वाह करें। तो आइए 27 दिनों के अनुष्ठान करने की विधि बताते हैं। सर्वप्रथम हम समय का निर्धारण करेंगे। प्रातः बेला में 4:30 से 6:30 बजे, मध्यान्ह बेला में 11:30 बजे से 1:30 बजे एवं सायंकाल बेला में 6:30 से 8:30 बजे के बीच अनुष्ठान करने से हमें भिन्न भिन्न तरह के लाभ प्राप्त होंगे। प्रातः बेला में अनुष्ठान करने से उत्तम अनुष्ठान कहलाएगा। मध्याह्न बेला में अनुष्ठान करने से मध्यम अनुष्ठान कहलाएगा एवं सायंकाल बेला में अनुष्ठान करने से जगन अनुष्ठान कहलाएगा। अनुष्ठान करने के पूर्व हम संकल्प करेंगे। जमीकंद यानी आलू प्याज लहसुन का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, 7 रसों में से किसी एक रस का त्याग भोजन में, नॉन वेज अल्कोहल का त्याग इस अनुष्ठान के लिए आवश्यक है। सर्वप्रथम शुद्ध वस्त्र, पीले क्रीम, नारंगी, हल्का हरा, हल्का गुलाबी आदि वस्त्रों का चयन करके पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा या उत्तर दिशा की ओर आसन लगाकर बैठेंगे। आसन हमारा शुद्ध होना चाहिए। अनुष्ठान का समय एवं अनुष्ठान का आसन दोनों ही निश्चित रहना चाहिए। एक स्थान पर अनुष्ठान करने से उसका फल ज्यादा प्राप्त। एक घी का दीपक लेंगे, शुद्ध जल का एक छोटा कलश लेंगे, यंत्र जी एवं एक थाली चांदी तांबे या स्टील की लेंगे। अपने इष्ट देव की फोटो या आदिनाथ भगवान की फोटो के सामने सभी चीजों को सजाएंगे। तत्पश्चात सांसारिक विकल्पों से रहित होकर मन वचन काय की एकाग्रता के साथ इस अनुष्ठान को हम प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे एवं 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। अनुष्ठान करने के लिए 3 काव्यों का हम चयन करेंगे। प्रथम काव्य मन के लिए, द्वितीय काव्य काय के लिए एवं तृतीय काव्य सांसारिक कष्टों का से निवारण करने के लिए हम लेंगे। प्रथम एवं द्वितीय काव्य हमें हमेशा लेना ही रहेगा, क्योंकि मन और काय स्थिर होने से वचनों के अंदर जो मंत्रों की सिद्धि होती है वह काफ़ी ग्रेविटी वाली होती है और उसके कारण हमारे कर्मों की निर्जरा सहज रूप में होने प्रारंभ हो जाती है। प्रथम काव्य 9 या 27 बार, द्वितीय काव्य 9 या 27 बार, तृतीय काव्य
9 या 27 बार करेंगे एवं मंत्र 108 बार जाप करेंगे और रिद्धि मंत्र का भी 108 बार जाप करेंगे। काव्य मंत्र और रिद्धि मंत्र करते समय हम जल की धारा थाली के ऊपर यंत्र पर डालते चलेंगे। जोम जोम नमः ओम रीम नमो जिन्नानाम जोम जोम नमः ओम रीम नमो जिन्नानाम जोम जोम नमः ओम रीम नमो जिन्नानाम जोम जोम नमः। अंत में हम आदिनाथ भगवान की या इष्ट देवता की आरती करेंगे। आरती के पश्चात यंत्र जी को पोंछ कर यथा स्थान पर रखेंगे। ऐसे 41 दिन तक करते रहना है। ऐसे लगातार 27 दिन तक हमें करना है। तत्पश्चात अभिषेक किए हुए जल को ग्रहण करें, कलश में डालकर रोगी को दे एवं जो शेष बच जाए उसे पेड़ पौधे में डाल दे। 27वें दिन दीप विधान भक्तामर का करेंगे एवं दीप विधान के अंत में भगवान से याचना करेंगे कि हे भगवान, आपकी कृपा से मैं ये 27 दिन निर्विघ्न रूप से इस पाठ का अनुष्ठान कर सका, जिससे कि मुझे अपने सांसारिक जीवन में जिन कष्टों को मैं सहन कर रहा था उसे छुटकारा मिला और आपकी शरण में रहते हुए मैं जीवन को सुखमय बनाया। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जैसे कि आप सबको बताएंगे कि आप भक्तामर का अनुष्ठान कैसे करेंगे घर पर, जो विधि चंदा दीदी ने बताया है अगर आप इस विधि के अनुसार करेंगे, जिस तरह से इन्होंने खान पान में विशुद्धि और आपके चर्या में जो विशुद्धि बताई है उस विशुद्धि के साथ करेंगे तो बहुत जल्द इसका परिणाम भी आपको मिलेगा, क्योंकि भक्तामर इतना महान और इतना प्योर हम लोगों के जो हमारे जैन धर्म में एक निधि है, उस निधि को अगर हम लोग इस तरह से भी अगर अपन करें तो जाहिर सी बात है उस चर्या को हम अगर अपने जीवन में उतारें तो हमारा बहुत 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 अपनी खुद की चर्या की शुद्धि होगी और साथ में जो तकलीफ है उन तकलीफों से भी निजात पा सकेंगे, है कि नहीं। जय। अगर संयम पूर्वक कार्य किया जाएगा तो इससे ये मंत्र जो है वो मंत्र भी है, तंत्र भी है और यंत्र भी है। तो मन वचन काय की जितनी शुद्धता हमारे अंदर रहेगी उतने ये मंत्र हमारे शरीर पर कारागर होंगे और हमारे कुकर्मों से छुटकारा दिलाएंगे। जय जिनेन्द्र।